Wait. Yes. अजब कमीना है दिमाग इंसान का। क्या बोला मैं? सही बोला। अजब कमीना है दिमाग इंसान का। क्यों मिर्ची लगी? बोला था ना 2 गज दूरी बनाने को, भागे आए लाइन तोड़ वायरस बढ़ाने को। अरे दूरी करो कम, वो हल्ले समाज में शाम शमीम के बीच की खराश को, फिर गाली नहीं दूंगा। अरे भाई नहीं, मैं मामा नहीं लगता समाज का, पर समाज चलाने वाली किश्ती में लगी वो कील हूं जो मामूली है पर जरूरी है, बहुत जरूरी है। तख्तों को जोड़े जो वो कील हूं समाज की, फेविकोल तू भी बन, जरूरत है आज की। मंदिर की छांव बैठे उड़े जो परिंदे, राजी खुशी लौट आए गिरजे की जोड़ी। थोड़ा आराम किया दी अंगड़ाई, शाम हुई मस्जिद से आवाज आई अल्लाह। शाम हुई मस्जिद से आवाज आई, अल्लाह भी वही भगवान भी वही, ओ जग का मालिक वाहे गुरु। अब ठंडा कर, भेजा अपना जो कहा गया उसे शुरू कर। 2 गज दूरी, मास्क लगाने का, क्या बोले तो? तो भाई लोग नमस्कार नमस्कार नमस्कार। काजल जी मैं आ गया। अभी न पर्दा गिराओ कि दास्तां आगे और भी है। अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो, अभी तो टूटी है कच्ची मिट्टी। अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं, अभी तो किरदार ही बुझे हैं। अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कता है दर्द दिल, अभी तो एहसास जी रहा है। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ है, बेहतरीन कलाकार, जिस तरह से अभी आपने देखा खूबसूरत, कितना उन्होंने इतना खूबसूरत गाया, माइंड के बादशाह उनको कहती हूँ, लेखक हैं, पेंटिंग करते हैं, इज एविड एडुकेशनिस्ट, इज मीडिया कम्युनिकेटर, इट्स व्हाट नॉट, इज व्हाट नॉट। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ युवराज सर का, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत, बहुत थैंक यू इतना काजल जी। इतना एनर्जी सर, इतनी एनर्जी, इतना खूबसूरत आगाज इस शो का, बहुत बहुत शुक्रिया, वो इसलिए कि बहुत मुझे रूबरू पे बुलाया गया भाई शुक्रिया तो मैं खुश मजा हो आ जाता गया हूँ। सर रूबरू रूबरू पे आकर बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुक्म, आप बहुत पूछिए। बहुत बिल्कुल सर, जिस तरह से मैंने कहा कि लास्ट टाइम जब आप आए थे शो में, तो हमने आपकी जो जर्नी थी रंग यात्रा उसको शेयर किया था, और जिस तरह से आप रंगमंच से, जिस तरह से आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहे, जो आपने काम किया उस पर शेयर किया था, लेकिन कुछ बातें रह गई थी। तो मैं चाहती हूँ, जिस तरह से मैं कहती हूँ माइंड के बादशाह, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी माइंड के बारे में सबसे पहले कि क्या है माइंड। काजल जी, माइम का बादशाह तो नहीं, मैं युवराज हूं, आप जानते हैं मेरा नाम से, मैं युवराज ही ठीक हूं। मुझे माइम बहुत फैसिनेट करता है। माइम एक ऐसी विधा है जो बाय डिफॉल्ट हम सब के अंदर होती है, और जी ये स्टोन एज से चली आ रही है। मतलब जी जब शब्द नहीं थे तो इंसान तब भी कम्युनिकेट करता था, जी तब वो बॉडी से ही करता था। बॉडी से ही, जो बॉडी लैंग्वेज है वही भाषा थी। बुलाना, तकलीफ में डरना, हंसना, ये सारे एक्सप्रेशन शब्द नहीं होते थे। या तो साउंड निकालता था, एक्सप्रेशन वी कुड से, या फिर सर शरीर से कहता था। तो माइम तो बाय डिफॉल्ट हम सब जानते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि ये कितना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। शरीर कितना बड़ा, आप यकीन कीजिए कि एक रिसर्च कहती है कि हम 24 घंटे में जो कम्युनिकेट करते हैं उसका जी 65% हम शरीर से करते हैं, 25% हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं। एक्सप्रेशन मतलब हाँ, ओ एंड ओनली 15% वी स्पीक।
यस एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, कोई वकील है या टीचर है उनको थोड़ा 17% 20% हो सकता है, बट हम ज्यादातर जो हमारा जो जीवन है कम्युनिकेट करने का जो दिनचर्या है 24 घंटे की, उसमें 3/4 जो हमारा है, 3/4 नहीं तो 2/3 जो है वो शरीर से ही कम्युनिकेट करते हैं। जी आप कहीं जाते हैं, कोई बात कर रहा है, टीचर बात कर रहा है, अगर 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर कोई बाहर शीशे से देखता है तो एक टीचर बोलती नजर आती है, लेकिन बच्चों की तरफ देखता है तो सारे बच्चे झुक के ऐसे देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब बॉडी लैंग्वेज उन बच्चों की ये बता रही है कि दे आर लिसनिंग, तो ये जी माइम में है, दे आर इन माइम। माइम का हिंदी, लिटरल हिंदी का मतलब होता है मूक अभिनय। अब अभिनय तो ये बाद में आया, मतलब है खामोशी से बिना कुछ कहे बयां करना, जैसे वो कहते हैं ना खामोशी की भी एक आवाज होती है, साउंड बिल्कुल ऑफ बिल्कुल साइलेंस। बिल्कुल और माइम को एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल माइम हुए हैं, उनका ये कहना था कि माइम इज ए पोएम अनसेड इन वर्ड्स क्या बात स्पोकन थ्रू बॉडी। अब क्या आप बात बताइए कि इससे खूबसूरत क्या एक्सप्रेशन होगा। तो माइम एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो मुझे बचपन से ही मतलब मेरे को फैसिनेट करता रहा। मतलब फिर मैंने इस पे थोड़ा सा पढ़ना शुरू, मैं वैसे बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं आपको पहले बता दूं सुनने वाले दोस्तों को भी, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, मैं बहुत जमीनी हूं, बिल्कुल एक आम आदमी हूं, आम शख्स हूं, और ऐसी कोई तोप चीज नहीं हूं। हाँ, मैं अपनी जो कॉमन सेंस है उसको इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करता हूं, वैसे मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने जो थोड़ा सा इस पे काम किया बॉडी लैंग्वेज पे, इसका श्रेय मेरे दो टीचर जो हैं, एक तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो मेरी पहली माइम टीचर हैं रीटा जी, रीटा कोठारी जी, रीटा गांगुली जी, दोनों नाम से जानी जाती हैं, तो उनको मेरा प्रणाम अगर वो देख रही हैं। मैं उन मेरी माइम की अवेयरनेस में मुझे ये बताने के लिए कि कितना खूबसूरत कला है ये, कितनी खूबसूरत कला है, इसमें उनका काफी योगदान है। उसके बाद जो बेसिक अवेयरनेस है वो बैरी जॉनसन ने, उनके साथ हमारे बैच ने बहुत काम किया, जी और मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मेरे अभी जो मेरा काम करता हूँ थिएटर में, चाहे बच्चों के साथ करता हूँ या बड़ों के साथ करता हूँ, तो बॉडी लैंग्वेज की अवेयरनेस अवेकनिंग वो जो मेरी ओपनिंग हुई वो बैरी सर की वजह से हुई। लेकिन इंडियन क्लासिकल माइम के बारे में रीटा जी ने मुझे समझाया कि इधर देखना क्यों जरूरी है। अब माइम का देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मुंह ये ना बड़ा क्लीशे है। हाँ, एक आपने कहा माइम के बादशाह, मैं उसमें थोड़ा सा वो कहते हुए, माइम का बादशाह मैं नहीं, मेरे भाई, बड़े भाई गुरु निरंजन, वो जो वो आप जानते हैं निरंजन दा जो है, निरंजन गोस्वामी जी कलकत्ता वाले, वो बॉस है, वो बादशाह है हिंदुस्तान में। अब माइम सरवाइव कर रहा है तो निरंजन गोस्वामी की वजह से, मैं उनको बहुत उनको इज्जत करता हूँ। खैर एनीवे, मेरे को शौक है क्योंकि देखिए मैं माइम की अवेयरनेस को जब मैं डायरेक्ट करता हूँ प्लेज, चाहे बच्चों के हों या बड़ों के हों, किसी के भी हों, मैं उसको एक मतलब मीडियम लेके इस तरह से उसमें मर्ज करता हूं एक्टिंग स्टाइल में कि किसी को ये नहीं पता लगता कि माइम का इस्तेमाल हो रहा है। माइम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सफेद मुंह करके और यूं कर लिया यूं कर लिया, वो भी माइम है, दैट्स वन पार्ट, पर माइम इज मतलब वो इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा कैनवस है उसका, और उसको इस तरह से नापना या कोई मिमिक्री कर देना वो माइम नहीं है। माइम का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि मुंह पोत के शुरू हो जाओ तो सफेद करके तो माइम हो गया, बट बॉडी लैंग्वेज माइम अगेन यू नो इन माइम, बॉडी को कंट्रोल, बॉडी को सधाना, बॉडी आपकी बॉडी थिंकिंग बॉडी होनी चाहिए, मतलब आपको परमात्मा ने ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया, देखिए शरीर का कोई भी पार्ट जो है, हाथ पैर जो भी है, जी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन बेसिकली। आप मैंने सोचा
और मैंने किसी ने पूछा कि भाई ये रास्ता आप अगर मुझे वहां जाना है तो कहाँ है, तो मेरा हाथ कहता है वहां, लेकिन ये वहां का आदेश मेरे सिर ने दिया उसको, मेरे दिमाग ने। तो बेसिकली दिमाग का एक्सटेंशन है जितनी शरीर है, तो दिमाग माइंड में ये बहुत जरूरी है। मैं कुछ भी विजुलाइज करता हूं पहले मुझे दिखाई देना बहुत जरूरी जी है। मतलब अदरवाइज अगर तितली है, एक तितली है, जस्ट लेट्स से एक तितली है, ये फूल है इधर सामने, आई मस्ट सी द बटरफ्लाई एंड आई मस्ट सी द बटरफ्लाई। इफ आई डोंट सी, अगर मैं मुझे नहीं दिखाई दे रही तो फिर किसी को नहीं दिखाई देगी। ये बहुत जरूरी है कि मैं ये देखूं, ये रही ये रही। तब अगर मुझे नहीं दिखाई दे रही तो किसी को नहीं दिखाई देगी। तो माइंड जो कर रहा है उसको ये दिमाग में बहुत जरूरी है जानना कि इसके लिए मतलब बहुत रियाज चाहिए, बहुत रियाज चाहिए माइंड के लिए। माइंड उतना ही मुश्किल और उतना ही आसान है जितना मैथमेटिक, या उतना ही मुश्किल और उतना ही आसान है जितना क्लासिकल म्यूजिक, उतना ही आसान है जितना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, या आप अमरूद का फोटो बना ले बच्चे के लिए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, रियाज तो है, और उसके रियाज के लिए बहुत जरूरी है आपको बेसिक समझ आए शरीर विज्ञान का। अब देखिए एक बड़े सिंपल सी बात है, मैं ये पूछता हूं कि भाई अगर किसी से कहें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड जेस्चर, अभी मतलब पहली सी बात है, जेस्चर क्या है तो एक्शन क्या है, तो हम दोनों कहते हैं हाँ जेस्चर मतलब एक्शन। अब जी यहां थोड़ा सा समझना जरूरी है, अंग्रेजी को मारिए गोली, अंग्रेजी तो मेरी भी अच्छी नहीं बेसिकली। हाँ मतलब मैं तो ऐसे ही मतलब काम चल रहा है, मतलब मैनेज कर लेते हैं, और मुझे इस बात का दुख नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और गुरुमुखी मुझे खूब आती है, लिखनी पढ़नी सब कुछ आती है और मुझे खुशी है। हाँ तो जेस्चर में और एक्शन में बेसिक फर्क जो है, व्हेन सी इफ यू आर थिंकिंग यू आर इन्वॉल्व, आई एम हेयर आई एम थिंकिंग आई एम इन्वॉल्व इन टू एन एक्शन, बट वेन यू केम या आप आई और बिना दरवाजा खटखटाए अचानक आपने देखा और कहा ओह सर सोच रहे हैं, अब वही एक्शन जो है वो जेस्चर हो गया, बिकॉज इट हैज कन्वेड द मीनिंग, मैसेज चला गया कि ये इंसान सोच रहा था, तो वो एक्शन जेस्चर बन जाता है। तो इस तरह से एक बहुत ग्रेट बॉडी लैंग्वेज के वो रिसर्चर या बॉस या जो भी कैरियर मास्टर रहे हैं, डेसमंड मॉरिस, इंग्लैंड के जी हैं वो, और उन्होंने बॉडी लैंग्वेज पे बेतहाशा काम किया है। उनकी बुक्स की सीरीज है, बीबीसी ने उनके ऊपर पूरी एक सीरीज बनाई है। मेरे हिसाब से हर एक्टर को, इनफैक्ट हर इंसान को, क्योंकि एक्टर भी इंसान ही है, तो यस हर एक को वो समझ आनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट किया कि डेसमंड मॉरिस की बुक में है लिखा हुआ, उसमें मैन वॉचिंग नाम से उसकी है, तो उसमें है कि जेस्चर आता कहां से है, ये एक्शन जो है ये मतलब जो भी एक्शन जेस्चर है ये इंसान सीखता कैसे, क्या वो देख के सीखता है, क्या उसको कोई सिखाता है, तो क्या कोई इनबॉर्न जेस्चर या एक्शन होते हैं, इनबॉर्न एक्शन। तो रिसर्च में उसने पाया कि एक बच्चा, उन्होंने उस पर रिसर्च किया जो कि पैदा हुआ है अभी फ्रेश, बट वो बदकिस्मती से वो ब्लाइंड भी है, डेफ है, डम है, मतलब वो सुन नहीं सकता और देख नहीं सकता, लेकिन वो रोया रोया एंड द फर्स्ट थिंग विच द चाइल्ड डिड, वो माँ दूध के लिए माँ को वो ढूंढा उसने, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अब लो अब ये सवाल ये आया उसको किसने सिखाया ये, सो इट मीन्स देयर इज इनबॉर्न एक्शन होता है। यस यस तो ये मान के चला गया, रिसर्च ये कहती है कि आपको मानना पड़ा कि ये होता है। नाउ कम्स, ये हो गए कुछ इनबॉर्न जेस्चर, कुछ होते हैं डिस्कवर्ड एक्शन। डिस्कवर्ड मतलब मेरे दो बाजू हैं, तो ये मैंने ये आपने ना मेरे पापा ने सिखाया ना आपने सिखाया, ये मेरे बाजू ने खुद ढूंढा, ये डिस्कवर किया, मेरे शरीर को कंफर्ट है, मैं बाई टांग पे दाई रखता हूं या दाएं पे, वो मेरा कंफर्ट है, वो मेरे शरीर ने खुद ढूंढा। सो ट्रू वील कैटेगराइज दिस थिंग इनटू डिस्कवर्ड एक्शन, वन इज लर्न्ड, जैसे आर्मी का है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, स्टैंड स्टिल टर्न बैक
तो अब ये सिखाया है गया, ये अलग कैटेगरी में चले। तो ऐसे पूरी की पूरी सीरीज, अब इतने सारे हैं कि मतलब मैं साल भर एपिसोड करता रहूं तो भी कंप्लीट नहीं होगा। सो एनीवे, व्हाट आई मीन, अगर किसी को इसमें जिज्ञासा है तो डेसमंड मॉरिस, स्पेलिंग मुझे नहीं आते, वो गूगल करके देख लीजिएगा, बॉडी लैंग्वेज के बॉस हैं डेसमंड मॉरिस मेरे ख्याल में। हाँ, ये आई हैव दैट बुक, दिस इज द बुक पीपल वॉचिंग। वॉचिंग ओके, यस दिस इज डेसमंड मॉरिस, स्पेलिंग आप देखना चाहें तो। डेसमंड मॉरिस इज बॉडी यस, लैंग्वेज। ओके। तो ये शख्स कमाल है, इन्होंने कमाल काम किया है। फिर इन्होंने ट्राइबल्स की लैंग्वेज, जैसे मिलने के लोग, कोई हाथ मिलाता है, कोई नुयू मिलता है, कोई दुआ सलाम यस करता है, कोई नाक से नाक रगड़ता है, दुनिया भर में अलग अलग उसके एक्सप्रेशन है। तो माइम जो करे, बेसिकली माइम क्यों करे, कोई माइम है क्या? माइम, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट समथिंग। वन इज आई कम, माई सन इज सैड, मैं आया, वो उसका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी कारण हो सकता है, चाहे वो प्रेमिका है या फेल हो गया है या नौकरी के लिए या आर्मी के लिए, तो मुझे मालूम है इस वक्त मुझे उसको कुछ नहीं कहना। मैं आता हूँ, उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ, हल्का सा उसके सर पे ऐसे करता हूँ, वो भी हाथ रख मेरे हाथ को यूं पकड़ लेता है, हल्का सा दबाता है और मुझे समझा देता है कि अब आप जाओ। वो कुछ देर अकेला रहना चाहता है। अब ये चीज जो है, ये हमने बिना बोले कम्युनिकेट कर दिया। जी सो दिस इज माइंड। माइंड को आप कई हिस्सों में बांट सकते हैं, दिस इज बॉडी लैंग्वेज। माइंड को जैसे मैंने बताया कि आप स्टेज पे हैं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, सी उसमें पेंटो माइम और एब्स्ट्रैक्ट माइम, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊं तो जो कथक है, जी ग्रेट कथक गुरु बिरजू महाराज जी, मैं उनकी माइम से बहुत फैसिनेट। इतने खूबसूरत माइम करते हैं, और इतनी खूबसूरत माइम करते हैं, मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मतलब कमाल है वो। जी तो वो रियलिस्टिक माइम करते हैं, बिल्कुल दही बिलोना, मक्खन निकालना, बच्चे को खिलाना, दैट इज बेसिकली रियलिस्टिक, 100% रियलिस्टिक। मतलब वो उसका जेस्चर जो बनता है, क्या बात तो इंडियन डांसेस में वो इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप डाउन साउथ जाते हैं तो जैसे केरला में कथकली है, सो दे हैव ए ग्रामर, 24 मुद्राएं हैं अलग अलग, जी तो उनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। बट उसमें लिमिटेशन थोड़ी सी ये आ जाती है कि वो सबको समझ नहीं आती, कथकली की मुद्राएं, और स्पेसिफिकली बिकॉज दे मोस्टली फिगर यू नो कंसंट्रेट ऑन रामायण और महाभारत, उन्हीं के एपिसोड्स लेके वो रात भर करते हैं। वहां के लोगों को समझ आता है, कट को वो जो भी है, मुद्राएं मुद्राएं ये सारी ये चीजें, ये धड़ी हमने हालांकि एनएसडी में के दौरान हमने इस्तेमाल की थी, ये वाली मुद्राएं हमने की थी। रियलिस्टिक प्ले में अनिल चौधरी हैं मेरे सीनियर, रंजीत कपूर जी के बैच के बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने नौटंकी की थी लैला मजनू, और रघुवीर यादव भी थे उसमें, थे अन्नू कपूर थे, और हम भी थे, हम गाते भी थे। तो उसमें मैं घुड़सवार बना था, तो जो मुझे रीटा जी ने सिखाया था तो वो उसको इस्तेमाल हम करते थे, तो उसको पकड़ने का, घोड़े को पकड़ने का, लेकिन वो यूज हम वो मुद्राओं करते थे, क्लेवरली उसमें ब्लेंड कर देते थे। क्या तो बात अब इसी इट्स सच अ लॉन्ग, मतलब क्या बात बताऊं, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसको नटशेल आप जब तक सवाल नहीं पूछेंगे वो बनेगा नहीं नहीं मेरे। काफी, बट सर इतना बारीकी आपने बताई, इतनी बारीकियां बताई हम पर। सबसे पहले तो मैं ये जितने भी हमारे एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं उन सभी का वेलकम कहना चाहूंगी। कुसुम धर जी हमारे से जुड़ी है, लेजेंडरी एक्ट्रेस कुसुम जी हैं। नमस्कार। अच्छा, थोड़ा धीरे बहुत बताइए, क्योंकि मुझे उनको मैं नमस्ते भी बोलना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत कमेंट लिखा है उन्होंने आपके लिए, आप खुद पढ़ लीजिए। ओ, शशि इज फॉर्चुनेट टू हैव यू द लाइफ पार्टनर, यू अ ग्रेट सर। जी नहीं, मैं खुश नसीब हूं, आपकी सहेली बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊं, वो शी इज ए ग्रेट पर्सन, शी इज ए ग्रेट पर्सन। अनफॉर्चुनेटली वो बैक की प्रॉब्लम की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थिएटर, बट शी इज अ ग्रेट पर्सन। और वो तो आपके
जम्मू कश्मीर की बेटी है तो मैं तो दामाद हूँ जे एंड के का, यूं कह सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ सपना जी कह रही, इट इज नॉट इजी टू एक्सप्रेस योर फीलिंग विदाउट स्पीकिंग एंड शो योर फीलिंग्स विद ओनली योर एक्शन। नहीं, आई डिसएग्री सपना जी। उसमें क्या होता है देखिए, मैं आपको बताऊं, हमको बोलने की जरूरत कब पड़ी? इंसान ने बोलना ये शब्द क्यों, भाषा को, उसको जब गिल्ट छुपाना था, वरना शरीर की भाषा काफी थी सब कुछ कहने को। जब उस चालाक हुआ तो शब्द घड़े, शब्दों के चक्कर में एक दूसरे को डाला, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो लोग हो, चाहे समाज हो। शरीर जो परमात्मा की भाषा दी हुई है, उसको एक ही तरीका था, उसको पपलू, उस पे जोकर डालने का, अपनी भाषा बना दी उसने, इंसान ने, क्लेवर था। तो मेरे हिसाब से अगर जेन्युइन है, अंदर अंदर उसकी रूह से साफ है, तो वो जो उसकी वाइब्रेशन है वो आपके टच से पता चल जाती है कौन करप्ट है। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, कोई भी आप जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, मैं उनके सर पे हाथ रखूंगा 60 सेकेंड के लिए, और मैं 60 सेकेंड में तीन फीलिंग्स को चेंज करूंगा और उनको पता चल जाएगा। वेरी ट्रू। इट इज नॉट कि मैंने कुछ जादू किया है, ये किसी, मतलब कोई भी नेगेटिव फीलिंग होगी वो ट्रेवल करेगी आपके हाथ से, जेन्युइन फीलिंग होगी वो ट्रेवल करेगी आपके, क्योंकि ये जो है इसको वो ऊपर वाला है वो चला रहा है। तो आप गलत हो गए तो यहां से वाइब्स जो हैं आपकी नेगेटिव वाइब्स निकलेंगी। जी वेरी ट्रू। आप शब्दों से किसी को बेवकूफ बना सकते हो। अरे मेरा भाई इंद्रजीत, अरे वाह, प्राउड ऑफ यू युवराज जी, माई कॉलेज मेट। मैं आपको बड़ा शुक्र गुजार हूँ काजल जी। ये मेरा दोस्त जो है इंद्रजीत, ये मैं शायद इनसे 1-2 साल सीनियर हूँ। मैं कॉलेज में था, चूंकि मैं कॉलेज में परफॉर्मर था तो सारे जानते थे मुझे, तो ये इन्होंने मुझे देखा तो हुआ है, उसके बाद मैं तो पास करके चला गया, ये आपके मंच पे मिले। और मैंने, इन्होंने उस पिछली बार जब आपने बुलाया तो मैंने कुछ बोला तो इन्होंने लाइक किया, तो मैंने कहा कौन शख्स है, मैं देख लूं। तो मैंने देखा तो पता लगा यमुनानगर से, मैंने बातचीत शुरू कर दी और आज हम इतने अच्छे दोस्त हैं। हमारी सुबह गुड मॉर्निंग और वाहेगुरु सत श्री अकाल अच्छे विजुअल से होती है। यमुना बहन जिंदाबाद, मेरी यमुना बहन आ गई, ये मेरे को, ये शी इज ए स्वीट पर्सन, शी इज सच अ स्वीट पर्सन, ग्रेट है, बहन हो तो ऐसी हो। श्वेता जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, खुश रहिए और खुश रखिए। राजीव गिरधर, जय हो जय हो। आप प्लीज काजल आप बोलो, मैं तो पता नहीं सर। नहीं नहीं सर, आप आप बोलिए, बहुत हाय अच्छा गुलशन, लगा हाय, मिसेस रोज ये देखो बोलिए, मेरा आप छोटा भाई आया बोलिए। गुलशन, ही इज सच अ स्वीट पर्सन, बहुत प्यारा इंसान। मैंने तेरे को सुना था उस दिन पूरा का पूरा, तू बहुत अच्छा इंसान है, इस सेल्फ मेड आदमी है जी, बहुत स्ट्रगल किया इसने, कमाल बच्चा है, बहुत बच्चा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जब इसको देखा था, अब तो ये भी मेरे आसपास ही होगा। सरला जी, युवराज शख्सियत की शख्सियत में पुनः, अरे अरे बहना, ये सब काजल का वो है, काजल के सदके मैं आ गया हूँ, काजल मेरी बहुत इज्जत करती हैं। कानन नमस्कार मेरे दोस्त छोटे भाई, अरे वाह वाह कानन, वाह वाह। सुधा जी नमस्कार नमस्कार, जय हो जय हो, बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के, कितने सारे लोग हैं यार, अरे वाह मजा आ गया मेरे को। राजीव गिरधर, बहुत खूब उदाहरण, तितली का गजब। अरे भाई क्या बताऊं मैं, थैंक यू भाई, थैंक यू अजय, हेलो युवराज सर, अशोक कल्याण, अशोक जी नमस्कार नमस्कार, जय हो। अरे काजल तुम बोलो, मैंने तुम्हारा हिस्सा ले लिया, पोर्शन तुम्हारे में नहीं है, सर, आप कम ऑन बोलिए, मुझे कम, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, आज आप सो स्वीट। बोलिए। सर कानन कह रहे हैं यू मस्ट हैव योर सेशन ऑफन, भाई काजल अगर मुझे लिफ्ट देगी तो मैं जरूर आ जाऊंगा, और क्या और क्या। थैंक यू सो मच योर स्वीट कॉम्प्लीमेंट, जमुना बहन कह रही है। अरे इसमें कॉम्प्लीमेंट की क्या बात है, तुम अच्छी हो तो हो, ये बहुत सादी बहुत प्यारी बहन जैसी बहन है बहुत ये अच्छी है सर, इंद्र। बहुत, शी इज ऑलवेज देयर हाँ टू एनकरेज, टू गिव मॉरल आई सपोर्ट, नो, आप सब होते जी हैं, जी हमें जी मॉरल सपोर्ट बिल्कुल। मिलती है। इंद्रजीत सर ने बहुत खूबसूरत लिखा है, अभी मैं चाहूंगी आप ही पढ़ें। कहते हैं खुशबू जो महका करती थी एक दश्त में, जहां हम भी घूमा करते थे, आज मुद्दत के बाद फिर रू में समाई है नजरिया रूबरू, 45 साल के बाद युवराज जी से मिले हम,
जय हो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सब वाहेगुरु करता मेरा, करना तो वो नहीं है सारा कुछ। हाँ बिल्कुल हाँ सर, काजल आप वाहेगुरु। बोलो। सपना, सपना जी फिर से कुछ आपसे पूछ रही है। आप ही बोलिए हाँ सर, सपना आज जी, आपके गिव लिए सम पॉइंट्स टिप्स आए हैं। फॉर थिएटर आर्टिस्ट। देखो दोस्त, मेरे बड़ा सपना, बहुत सिंपल सा मेरा फंडा है, सारी चीजें जरूरी हैं, ट्रेनिंग भी जरूरी है, एनएसडी, ये जरूरी नहीं कि आप एनएसडी नहीं गए तो आप एक्टर नहीं है। काजल तो कभी एनएसडी नहीं गई, शी इज ए बेटर एक्टर देन दैट ऑफ मी। उसका सर एक्सपीरियंस ही इतना है, उसके डीएनए में है, उसके पिता इतिहास है, मतलब उनकी जो कंठ मील पत्थर है, मेरी पत्नी जो है वो भी जम्मू कश्मीर से, वो बताती हैं। तो ये तो किसी एनएसडी नहीं गए। देखिए क्या है, एनएसडी जाना मिले तो उससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर आपको सहूलतें हैं, एक्सपोजर है, वो सब कुछ है। लेकिन हाँ, पूरा हिंदुस्तान तो एनएसडी नहीं आ सकता, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं भी हूँ युवराज भाई। अरे प्रतिमा बहन, भाभी तो तुम्हें कभी नहीं कहूंगा, तू मेरी दोस्त भी है और मेरी बहन भी है, छोटी है मेरे से भाई, शी इज अ स्वीट डार्लिंग है जी। जी तो दोस्त ऐसा है कि ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक काजल जी, मैं जिनका शुक्र गुजार हूं एक्टिंग को लेके, वो हैं ब्रेक्थियन गुरु थे, अब तो नहीं रहे, फ्रिट्स बेनेविट्स। जी तो फ्रिट्स बेनेविट्स ने हमको, वो जिन दिनों आए, हम ओथेलो कर रहे थे, तो आई प्लेड इयागो, और ये तो मतलब किसी को मिल जाए तो इससे बड़ा क्या मतलब, ये खुराक है, पूरे सारे विटामिन है इसमें। मुझे जब मिला तो मैं गदगद हो गया। अच्छा उन दिनों मैं बहुत फिल्म मतलब वो ना कॉबॉयश लुक में रहता था, बाल मेरे लंबे लंबे थे, मुझे सपना बालों मिश्र का बड़ा कहती हूँ, सिल्वेस्टर स्टॉलन, सिल्वेस्टर स्टॉलन, हॉलीवुड वो तो स्टार। बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब मैं युवराज था, और युवराज बड़ा बिंदास युवराज था, लंबे लंबे बाल। तो उन्होंने मुझे इयागो का रोल दिया, और उन्होंने कहा भाई देख, एक्टिंग नहीं करने का। जी तो ये जो बच्ची ने, जिसने भी बहन ने मेरे को सवाल पूछा, उनको मैं कह रहा हूं, नेवर एक्ट, देन व्हाट टू डू, रिएक्ट। काजल यस आपका पूरा ये नाम क्या है? काजल आपका पूरा नाम सूरी क्या है? राजा शी सूरी। रिएक्टेड, शी रिएक्टेड, आई आस्क्ड काजल, शी रिएक्टेड। इसी यस तरह प्ले में, किसी नाटक में, अगर आप ध्यान से अपने को एक्टर को सुन रहे हैं, पहला डायलॉग जो होता है दैट इज एन एक्शन, उसके बाद प्ले के एंड तक रिएक्शन ऑफ द अर्लियर एक्शन। तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं कंटेंट को, तो एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सिंपल, मेरा तो सिंपल जिंदगी का फंडा है। मेरे पास एमेच्योर बच्चे आते हैं, कॉलेज के आते हैं, कॉरपोरेट के आते हैं, उनको जब मैं एक बहुत प्यारा बच्चा है पुनीत खंडूजा, मतलब वो बेचारा मझधार में, दो किश्ती में है, वो शाहरुख का फैन है, और मैं जो कहता हूँ उसको भी मानता है। अब बताइए, दोनों मतलब दो अलग अलग सिरे हैं, बट इस डार्लिंग, वो कहता है जो आप कहते हो मुझे वो भी समझ आता है, पर वो चूंकि ग्लैमरस है, वो बॉलीवुड, तो अब ही एक्टेड इन वन ऑफ माई प्ले, लास्ट लीफ नाम से कहानी है, आपने पढ़ ओ हेनरी की, आखिरी जी पत्ता जी जिसपे, जी हाँ, जी जी तो जी जी उसमें बिल्कुल वो पेंटर बना था जो शराब पीता है और उसमें रहता है और मर जाता है बाद, वही पेंट करता है। इतना खूबसूरत उस बच्चे ने उस रोल को किया, और हर बार मैं कहता था खबरदार अगर एक्टिंग की तो, एक्टिंग नहीं करनी है, ये तेरी प्रॉब्लम है, जो तू बोल रहा है समझ, अक्ल, सिंपल कॉमन सेंस, अक्ल इस्तेमाल कर। अक्ल ये कहती है, तू कह रहा है क्यों, अब क्यों को क्यों ही कहेगा ना, यू क्यों, क्यों ऐसे क्यों कहेगा भाई तू, हमें मतलब कॉमन सेंस की बात है, ऐसा क्यों कहेगा तू भाई, जब आम आम जिंदगी में जैसे बोलते खाते पीते जीते हो वैसे करो, आप किसी का भी बिल्कुल रोल कर लो। फिर भी अगर आप, जिस मित्र ने पूछा था सवाल, वो कोई स्पेसिफिकली अगर मुझे कुछ पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। संध्या गुप्ता जी कह रही हैं, वेरी ट्रू। संध्या जी, ये हमारे वाली संध्या जी हैं जिनको मैं नमस्ते करता हमारे हूँ और वाली सलाम करता हूँ। संध्या बिल्कुल जी आपके लिए बिल्कुल एक, मैंने, ओह संध्या जी के लिए एक चीज पेश करूंगा। संध्या जी, बिल्कुल स्पेसिफिकली फॉर यू, इट्स ए जी पोएम फॉर यू, आई हर्ड जी यू दैट डे, आई एम नाउ नरेटिंग दिस पोएम। शी इज अ स्ट्रॉन्ग लेडी, शी इज अ स्ट्रॉन्ग लेडी सर। हाँ यस, तभी तो, ओ हो
ओए अख नीवी करनी छड अड़िए, उन आहुट मिलजुल के लड़िए, औरत खोरा दी दुनिया विच बिन कारण तू मैं क्यों सड़िए। सदिया तो आखी बन पटिया, शैताना इज्जता ने लुटिया, हुन बहुत होया तेरा दिल रोया, हुन पूंज के हंजू ज्वाला बन, ओ कर जेड़ा दिल आखे, हुन ओगा जेड़ा दिल गावे, हुन सोच उडारी आसमानी, हुन सोच उडारी आसमानी, तेरा वाहे गुरु ते तो ए चावे। आनी अड़िए अग्नी भी कर दी छड़ अड़िए। तो ये संध्या बहन आपके लिए था। प्रतिमा जी लिखती है आप में कोई चेंज नहीं है। अरे बहन प्रतिमा, अगर मैं चेंज आ गया तो तू मेरे को जितने प्यार इज्जत करती है वो बंद कर देगी। मैं ओरिजिनल ही रहूं वो अच्छा है। तू भी मेरे को शाबाशी इसीलिए देगी कि मैं वो जैसा था वैसा ही हूं, तभी तुम लोग मेरे इतने करीब हो, तभी तुम लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो। मैं करप्ट नहीं हो पाया। हाँ गुलशन कह रहे हैं यस युवराज भाई, आई रिमेम्बर योर लॉन्ग शूज, लॉन्ग हेयर, योर डैशिंग स्टाइल। वो तो अभी देखो 69 पे भी हूँ गुलशन, स्टाइल तो अभी भी वैसे ही मारता हूँ। संध्या बहन अच्छा लगा, ओ कह रही है लव दिस, ओह मेरे, यू मेड माय डे संध्या बहन। संध्या जी एक बात आपको और बताऊं, आपकी एक मित्र हैं जो नोएडा में रहती हैं, वैसे तो मेरी बच्ची है किस्म से, मेरी डॉटर इन लॉ मान लीजिए, तन्वी गुप्ता, वो आपकी, मैंने एक्चुअली पता लगा वो आपकी फ्रेंड है, तो उसको जब मैंने आपका बताया तो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी, वो कहती है हम बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो भी गुप्ता हैं, आप जानती होंगी तन्वी को, नोएडा में रहती हैं वो, तो इट शी इज काइंड ऑफ माई डॉटर इन लॉ। शुक्रिया शुक्रिया संध्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है कि आपने, अरे वाह इंद्र भाई बस गा दिया यार, तू हैगा सी आले दुआले तो मैं है पंजाबी जी भी सुना दिए, फिर पंजाबी नहीं गाई तो फिर रिड़क जी रह जाती है ना। शुक्रिया सला जी, शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया। जी पूछे काजल और सवाल पूछे। माइम की बात कर रहे थे, मैं यहाँ से ये आपसे जानना चाहूंगी कि हम एक स्टोरी माइम एक स्टोरी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, तो क्या ये जरूरी है जो ऑडियंस, जब तक ऑडियंस का जो इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग ना हो तब तक क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं, आप ऑडियंस को कंडीशन नहीं कर सकते, आप ऑडियंस को कंडीशन नहीं कर सकते। आपको देखिए बड़ा सिंपल फंडा है इसका, सुभाष गई करोड़ों रुपया लगा के फिल्म बनाते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, फिल्म जब रिलीज होती है एक रिक्शा वाला बाहर आता है और कहता है बेकार है फिल्म, फिल्म पिट जाती है जी। तो आप जब माइम करें या कोई भी चीज करें, आपको सी यू परफॉर्म फॉर ऑडियंस, अगर ऑडियंस को नहीं समझ आया तो आप में कमी है, ऑडियंस में नहीं। डोंट से कैसी बेवकूफ ऑडियंस है, ऑडियंस बेवकूफ नहीं होती, ऑडियंस इज ऑलवेज राइट। आपको पहुंचना नहीं आया, आप खाम खा अपने इज्म लेके, अपने स्टाइल लेके, अपने बड़े बड़े ग्रंथ लेके, और ये और वो अंग्रेजी टेक्निकल वर्ड्स, आप डरा क्यों रहे हो ऑडियंस को यार, सादे तरीके से करो ना। फोक थिएटर देखिए गांव गांव में जो होता है वहां कौन, वो तो सिंपल तरीके सारा कुछ समझ आ जाता उनको, सब कुछ समझ आता। रामलीला सब हर साल देखते हैं लोग, फिर भी हजारों की तादाद में चले जाते हैं लोग, और सबको समझ आ रहा होता है वो कुछ भी बोले ऐसा। अब हाँ हालांकि आम जिंदगी में रावण हा 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 तो नहीं करता होगा, लेकिन लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनको कंटेंट से मतलब है। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। माइम में जो आप कह रही थी, माइम में बहुत जरूरी है, एक तो कहानी बहुत छोटी होनी चाहिए आपकी, बिकॉज सी थ्रू योर बॉडी यू हैव टू क्रिएट दोज विजुअल, लाइक आप इसने भी शायद ये क्या नाम, ग्रेट एक्टर साउथ के कमला हासन, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, मैं नाम भूल गया हूँ क्या थी वो, साइलेंट फिल्म थी। तो चार्ली चैपलिन हमारे
बॉस गुरु जी। जी सपना जी, एक मैं अभी आता हूं आपके पास, ये सेंटेंस खत्म करके फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो वो माइम करते थे, चार्ली चैपलिन पूरी माइम करते थे, सारा कुछ माइम में करते थे। वो डिवाइसेस यूज करनी होती है उसमें, जैसे उन्होंने सीन चेंज है या किसी ने कुछ जी कहा तो ये प्लेकार्ड सा बीच में आ जाएगा जिसमें एक सेंटेंस लिखा होगा, तो ये डिवाइस आप यूज कर सकते हैं माइम में। ऐसा कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है माइम का किसी किताब में या किसी विद्यालय में। यू कैन क्रिएट योर ओन वे टू एक्सप्लेन थिंग्स टू ऑडियंस। सिर्फ बिल्कुल ये होना चाहिए, आपको ये बिल्कुल थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, शब्द नहीं है फिर भी समझाना है। इसके लिए यू जस्ट हैव टू लुक बैक इन टू योर लाइफ वेर यू विल फाइंड, जैसे मैंने कहा रिसर्च के हिसाब से 65% यू डोंट स्पीक। तो अगर वो यस लेसन आपको याद है तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ये यकीन मानिए, सफेद मुंह करके माइम करना नहीं वो एक अलग विधा है, वो भी अच्छी है, मैंने किया है, काफी किया है। मैं तो याद है मुझे श्रीनगर जब वर्कशॉप हुई थी हमारी 10 वीक की टैगोर हॉल में, तो लास्ट जो परफॉर्म डे था तो प्लेस भी हुए, केमू आए थे मेरे दोस्त रवि केमू, उनके पिताजी का ग्रेट आदमी थे वो, तो केमू साहब, उनका प्ले भी किया था हमने और भी किया था, तो मैंने माइम परफॉर्म किया था। अब देखिए मेरे लिए वो जिंदगी का सबक था, मैंने अपने लिए एब्स्ट्रैक्ट माइम किया, कुछ कुछ चीजें थी वहां पर। मेरी खुशकिस्मती और बदकिस्मती ये थी कि बैरी जॉन बैठे हुए थे, और जो मैंने खत्म किया पीछे जाके कहते हैं स्टॉप फूलिंग द ऑडियंस। अब आप समझे हो कि तुम अपनी मतलब, चूंकि तू यू हैव ग्रेट कंट्रोल ऑन योर बॉडी, तो पॉस्चर्स बना के ऐसे दो चार हरकतें करके तुम सोच रहे हो कि तुमने माइम कर दी, लोग कहेंगे अरे वाह यार कमाल किया इसने तो, पर क्या किया? ये नहीं होना चाहिए। सो ऑलवेज बी क्लियर कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो कितना क्रिस्टल क्लियर हो, कम हो छोटा हो। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक मक्खी यहां से उड़ी और यहां इस उंगली पे जाके बैठ गई, यहां से उड़ी और इस पे जाके बैठ गई, ये इतना डिस्टेंस जो है इसमें आपको 150 एपिसोड बनाने पड़ेंगे। मक्खी उड़ी, उसने पंख खोले, एक पहली छलांग ले रही थी, उस छलांग लेने से पहले दाएं बाएं देखा। अब ये छोटे छोटे एपिसोड हैं आपको, अब आप सोचिए इतनी माइन्यूटली आपको काम करना पड़ता है। इट इज लाइक सर्जन, जैसे डॉक्टर सर्जन होता है वो, जैसे एक एक आपकी नसें जो है पतली पतली नसें उनको भी सावधानी से करता है, तो आपको माइम करते वक्त आपको यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे सिनेमा में होता है कैमरा का शॉट लेते वक्त वो सारी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, सत्यजीत रे साहब तो हर जो फ्रेम था उसको स्केच करते थे, जी अपनी पूरी बिल्कुल फिल्म जो होती थी उनको स्केच करते थे। तो ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है माइम को परफॉर्म करने, इसीलिए हिंदुस्तान में माइम ना के बराबर है, एक्सेप्ट कुछ चूंकि कलकत्ता में तो वो लोग काफी अवेयर हैं, और जैसे मैंने निरंजन दा का आपको एग्जांपल दिया, इज अ ग्रेट जी गुरु, उन्होंने माइम्स अपना एक अच्छा खासा वो विद्यालय भी शुरू किया है, और महाराष्ट्र में कुछ जगह पर है, साउथ में अवेयरनेस है, लेकिन मैंने उनको यूट्यूब में देखा है, ज्यादातर लोग जो माइम का है कंसेप्ट अनफॉर्चुनेटली वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, बस वो सफेद मुंह कर लिया का वो काली काली वो यहां बना लिया कर लिया, जी दैट इज नॉट माइम। माइम बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत भयानक मेहनत करनी पड़ती है। देखिए मेहनत करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है दीवार को धक्का लगाना, एक होता है कि बुलडोजर ला के एक ही धक्के में तोड़ देना। तो अक्ल इस्तेमाल, मैंने फिर वही कहा ना अक्ल लगती है इसमें, इसमें वो किताबें और फुट्टे और ये नहीं चाहिए, आपको सोचना होगा एक आम आदमी को कैसे समझाएं। अगर 4 साल का बच्चा है उसको दिखना चाहिए, अगर आप डॉगी को लेके घूम रहे हैं तो उसको नजर आना चाहिए वो डॉगी जा रहा है, तो उसको दिखने से पहले आपको डॉगी दिखना चाहिए ये कहाँ गया कहाँ गया, तो आप उसको चेज कर रहे हैं, आपने आकार क्या बनाया है उसका, ये बच्चे को दिखना चाहिए आकार कितना है, आकार को मेंटेन करना। आपने एक बार डॉगी उठाया रख दिया, फिर वो गया, फिर आपने बुलाया इधर आओ, फिर उठाया, जब दोबारा उठाएंगे तब भी उसी का साइज वही होना चाहिए। तो ये मतलब काफी मेहनत मांगता है, काफी मेहनत मांगता है। अब मैं सपना जी की बात, सर कोई लाउड एक्ट के लिए करता है कोई सटल,
नेचुरल बहुत कम अप्रिशिएट किया जाता है। बेटा देखो उसके तो बहुत सिंपल तरीके हैं। आपने देखा होगा आजकल जिसके लिए मैं अक्सर मतलब नाराज होता हूं और जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, 35 साल में चिल्ड्रन थिएटर इसीलिए करता रहा हूं कि बच्चों का कसूर नहीं, आई नेवर ब्लेम किड्स, की वो रियलिटी शो में फिल्मी गानों पे 4-5 साल की बच्ची है वो बीड़ी जला पे अगर डांस करती है, इट्स नॉट हर फॉल्ट। उसको आपने सर्व क्या किया है? आपके पास बच्चों के गाने ही नहीं है, कोई लिखते ही नहीं है। अगर सारे लिखे यार इसको लिख तो देंगे, पैसे कहां से मिले? अरे सारी चीजें पैसे के लिए थोड़ी करनी यार, जनरेशन जो नेक्स्ट आने वाली है उसको तुम खुराक क्या दे रहे हो? विचारों की देखिए सिंपल फंडा है जिंदगी का, थॉट जो है हमेशा किसी भी बच्चे को, वो थॉट कहां से आती है वो कहता है दिमाग से। आप उसको समझाना पड़ेगा, आपको पहले पेरेंट्स को समझना होगा, थॉट दिमाग से नहीं आती, दिमाग में आती है, आती बाहर से है। आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियां जो देखती सुनती सूंघती सुनती टच करती हैं वहां से थॉट बनती है। तो उनको जो कैटर करोगे, जो प्लेट में रख के दोगे वही खाएंगे, तो बच्चे का क्या कसूर है? आप बच्ची ने सपने ने कहा कि लाउड एक्सट्रीम कोई पसंद करता है, अगर एकता कपूर बनाती रहेंगी सीरियल ऐसे वाले और आप मानते रहेंगे पुनर्जन्म नाम की चीज है, नागिन आ गई है, वो फिर दोबारा पैदा हो गया है, तो उसमें एकता कपूर का कसूर नहीं है। आप चैनल बदल दीजिए, मैं तो नहीं देखता, ना मेरी पत्नी देखती है ना मेरे बच्चे देखते हैं, हम दूसरे डिस्कवरी पे या न्यूज पे चले जाते हैं या और किसी चैनल पे चले जाएंगे। तो अगर आप देखते रहेंगे, आपको टेस्ट आपको देना है। मैंने 35-36 साल बच्चों के साथ काम किया है, मैंने वो नहीं किया जो स्कूल चाहते थे, मैंने वो किए हैं, मैंने वो स्क्रिप्ट्स लिखनी शुरू की है, मैंने वो किया है जो बच्चा चाहता है। बच्चे का बेस एक छोटा सा एक बुरा ना मानना, एक सेकंड मैं आपको सुनाता हूं एक चीज। कहां हूं अरे यार इतना सारा सामान हो गया, कहाँ कहाँ गया। सतीश आनंद जी हमारे से जुड़े हैं, ये रहा। नमस्कार कह रहे हैं। ओ, सतीश भाई तो बड़े प्यारे इंसान हैं। सही कहा आपने, जो भी आप बात कह रहे हैं बहुत सही बात कही आपने, ये बहुत प्यारे इंसान है बड़े भाई मेरे, इतनी नॉलेज है यार, ये तो खजाना है, पूरा इंसाइक्लोपीडिया है भाई। अच्छा मैं अब आपको एक सपना के लिए, ओके जी, थैंक यू कानन। तो ये कानन और मैं इन्हें वे एक ही जनरेशन के हैं, उम्र को छोड़िए, हमने जमाना इकट्ठा देखा है, हमने जमाना बिगड़ता बनता देखा है, हमने वो किया जो हमारे दिमाग ने हमारी कॉन्शियस ने कहा। तो ये लीजिए, सुनो कहानी सभासदो। एक राजा था पर रानी नहीं पर तोता था। तोता जो था उसे रोना पड़ा, प्यारा सा बचपन खोना पड़ा। नाजुक से कंधों पर ढेरों किताबें, चार दीवारी से तोता भागे। उड़ना तो चाहे वो नन्ना पखेरू, भारी थैलों ने परखाट डाले। तोते हमारे ने आह भरी, हाय रे बचपन तू कहाँ गया, हाय रे बचपन तू कहाँ गया। सो
सुनो कहानी सभासदो सभासदो सभासदो, एक तोता था और बचपन था, एक तोता था और बचपन था, एक तोता था और बचपन था। तो मेरा कहने का मतलब है, आई राइट दोज थिंग्स जो बच्चे की व्यथा है। मैं बच्चे को टेस्ट दिया, वो टेस्ट दिया जो मैं भुगत चुका था, मैं जिस प्रोसेस से निकल के आया था, मैंने उससे हट के उसको बच्चे को वो दिया जो वो चाहता है। आई डिड टैगोर, तोता जो कहानी है उसको मैंने कंटेम्प्रेरी बना के स्कूलों में किया, और जिन स्कूलों ने किया मतलब मैं उनका शुक्रगुजार हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये जो CBSE इसको नहीं छोड़ता, NCERT को नहीं छोड़ता, प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट किसी को नहीं बख्शा मैंने इसमें। तो उसमें क्या है कि बच्चे को समझ आने दी, बच्चा हमको बच्चे को नॉलेज नहीं देनी, हमको बच्चे को थिंकिंग देनी है। वी हैव टू टीच द चाइल्ड हाउ टू थिंक। हम इतना लाद देते हैं बच्चे को किताबों से, इतना लाद देते हैं, मतलब आप यकीन करिए, एक बड़े अच्छे वो हैं, क्या बोलते हैं, टेड टॉक पे आते हैं, मैं नाम केन रोबिनसन या क्या, मैं नाम नहीं याद आ रहा, वो कहते हैं अगर आप आज के जमाने में किसी गैदरिंग में जाओ, कोई यूनिवर्सिटी में जहां वो मिलना हो डिग्री, तो वहां आपको लगेगा ये दिमाग जा रहा है, इंजीनियर का दिमाग जा रहा है, ये साइंटिस्ट का दिमाग, डॉक्टर का, और शरीर पीछे घिसटता हुआ आ रहा है। बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये अस्तित्व जो है, सिर जिसके ऊपर रखा उसकी केयर ही नहीं है, एस्थेटिक नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो अक्ल सी चली जा रही है, इंसान नहीं, अक्ल चली जा रही है। जो इंसान का इमोशन है, जो जीवन है, जिसमें परमात्मा का अंश है, जिसके लिए आप समाज के लिए तब फायदेमंद साबित होगे अगर आप उसको भरपूर जियो, सब कुछ जरूरी है। तो लाउड एक्टिंग करके अगर मैं इंप्रेस करता हूं तो इसका मतलब मुझे, मेरे कथन में दम नहीं है, मेरे कथन में दम नहीं है। मजा तो यह है, आप ऐसी विधा इस्तेमाल कीजिए बिना लाउड किए हुए। अब ये मैं जो आखिरी पत्ता आपको कह रहा था, इसको आप इसमें इस्तेमाल हुआ है शायद, लुटेरा फिल्म आई थी अभी, सोनाक्षी सिन्हा थी या क्या, उसमें एंड में यूज किया है, तो आप उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने बहुत सिंपल तरीके से मैंने उसको दिल्ली में उसको लोकेशन रखा, और जमुना पार, ट्रांस यमुना, जहाँ NSDN कथक वाले ये जितने कलाकार है वहां किराए पे रहते, कुछ सस्ता मिलता है वहां पर जी। तो वहां के दो कलाकारों की कहानी मैंने बनाई। तो मुझे ये बहुत जरूरी है कि मैं ट्रांसलेट जो बता रहा हूं, क्योंकि देखना तो लोगों ने है ना, तो लोग उस चीज को देखें जो उनको लगे मैं आम पार्ट ऑफ इट, और जब आप एक्ट कर रहे हो उनको पता ना लगे। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं काजल जी, या बाकी लोगों से बात कर रहा हूं, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, मेरे जो दिमाग में है मैं वो कह रहा हूं, यही कंटेंट स्क्रिप्ट का है जो मेरे दिमाग में है, मुझे समझाया आपने एक बार, इंटरप्रेट कर दिया, काजल ने डायरेक्ट कर रही है, उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया। देखिए नाटक का बड़ा मजेदार होता है, पहले राइटर लिखता है वो अपनी इंटरप्रिटेशन, फिर डायरेक्टर पढ़ता है वो उसको सोच के अपनी इंटरप्रिटेशन आता है, एक्टर्स को बताता है, एक्टर सुनते सुनते अपनी इंटरप्रिटेशन बनता है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब स्टेज पे जाता है तो एक्टर कहता है नहीं मेरे अकॉर्डिंगली तो ये है, वो प्ले का बेड़ा गर्क कर देता है जब वो शो वाले दिन अपने तरीके से करता है। सो यू हैव टू स्टिक टू वन कंसेप्ट, वन आइडियोलॉजी, अदरवाइज आप पूरा डिजाइन बेड़ा गर्क कर देंगे। तो अब वो डिपेंड करता है कि लाउड एक्टिंग आप वहां करिए ही मत, मैं नहीं करता ना, मुझे नहीं करना, मैं कम करूंगा लेकिन सही। देखिए क्या नाम था इस बच्ची का, सपना, खाने में रसगुल्ला बहुत अच्छा है लेकिन वो अच्छा नहीं होता, एक होता अच्छा एक होता सही। आई एम नॉट अ गुड टीचर, आई वॉन्ट टू बी ए राइट टीचर। अच्छा नहीं बनना, मैं गुडी गुडी क्यूट वाला नहीं, सर बड़े अच्छे हैं, मुझे वो नहीं बनना। सर बच्चे कहें सर बहुत सख्त है बट ही टॉक सेंस, कड़वाट। डॉक्टर जो होता है वो टू द पॉइंट बात करते हैं, आपको कैंसर है सावधान, वही नहीं कहता आपको कैंसर है कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं कहेगा ना।
तो यही आपका जो थिएटर वाले हो, यू आर लाइक सर्जन्स, आपने समाज का जो अंदर का कोड है, गिल्ट है, जो भी है उसको निकालना है, तो चीखे मार मार की कोई जरूरत नहीं, सटल होना पड़ेगा, यू हैव टू बी बिल्कुल सटल। यस जी और पूछो, इंद्रजीत सर, मैं जी पूछ रहे हैं, कश्मीर से, जम्मू से ही सुपर हूँ, ग्रेट टू हेयर। अरे इंद्र भाई, ये तो आपकी वो है जरा नवाजी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस दिल की बोलता हूँ। हाँ पुष्पक, यू आर राइट, प्रतिमा पुष्पक बनाई थी कमला हासन ने, वो साइलेंट फिल्म थी। थैंक यू यस प्रतिमा, देखा मेरी बहन मेरे यस काम आई। कुसुमधर कह रही है सिंपली सिटी इज ग्रेट सिटी। यस, संध्या जी ने ये बहुत लंबा कह सा रही है मैसेज अभी भेजा घर है, ना मैं जाना, अभी घर, अरे वो हटा दिया, पता नहीं ऊपर क्या। चला गया मैसेज ही, बहुत ऊपर चला गया, लेकिन बहुत लंबा और हाँ बहुत खूबसूरत सा मैसेज उन्होंने लिखा था आपके लिए, बहुत ही आपकी खूबसूरत लिखी हुई मेरी मेरे लिए कविता ने इमोशनल कर दिया। इमोशनल अरे कर बहन, दिया। ओ सो स्वीट मेरी बहना। बहना वैसे मुझे लगता है उम्र में आप मेरे से छोटी हो, तो मैं भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, तो मेरी ढेर सारी दुआएं, जुग जुग जियो। कभी मौका लगे तुम्हारे वहां जम्मू में ग्रुप के लिए कुछ करना हो, तुम्हारी संस्था के लिए, तो मैं ऐसे ही आ जाऊंगा, बस खाना 2 टाइम का दे देना मेरे को, है राजमा खिला देना जम्मू वाले, और फिर मैं काम कर लूंगा। और क्या यार, और क्या, और क्या। इंद्र भाई, युवराज जी अपनी बिंदु स्केचिंग स्केचिंग चित्रकारी का अंदाज अच्छा। सर, ये तो मैं भी पूछ रहा है आपसे कि स्केचिंग के बारे में, इतना खूबसूरत, इतना बारीक, कैसे सर, कैसे इतना खूबसूरत? अब मैं क्या बताऊं, देखो मैंने किसी से सीखा नहीं है, जी मुझे बचपन से शौक था इसका, स्केच करने का। बेसिकली क्या, देखिए मैं, मेरा एक स्ट्रॉन्ग विश्वास है, मुझे ये तो नहीं पता कि परमात्मा होता है या होती है, बिकॉज उस वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये तो चूंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो होता है, कर दिया है, पर जी इस मामले में ग्रेट नानक सेड, अजूनी से भंग ईशी कुछ नहीं है, वो लॉ है, ऑरा है, उसको एक्सप्लेन करना नानक के बस का भी नहीं है। तो एनीवे, तो मुझे ये मालूम है कि परमात्मा हर एक को एक गिफ्ट देता है, पेरेंट्स पे और टीचर पे डिपेंड करता है, वो ढूंढे, इतनी अक्ल होनी चाहिए पेरेंट में और स्पेसिफिकली टीचर में, वो बच्चे को ढूंढ के उसकी कला को एनकरेज करे। तो मेरे को मतलब खुशकिस्मती बदकिस्मती से ऐसा नहीं मेरे को मिला कि मेरे इन चीजों को, तो मैं तो खुंदक आके बना, आई एम ए रिबेल फ्रॉम माई चाइल्ड, सिंस माई चाइल्डहुड, मतलब मैं इसी। अब भैया टाइम बताती रहना, मुझे मुझे जी इशारा सर, कर देना, कंटिन्यू कंटिन्यू, हाँ वो ऐसा ना हो कि फिर मतलब वो तुमसे कोई नाराज हो जाए। तो नहीं स्केच का जो है ना, देखो क्या होता है, मतलब कोई भी देखो सड़क किनारे बैठा हो भिखारी भी यूं करके जब बैठता है वो स्केच कर रहा होता है, अगर आज 10 रुपए मिल जाए तो ही इज और शी इज स्केचिंग, विजुलाइज करना इज स्केचिंग। सो आई स्टार्टेड स्केचिंग, जहां मैं नहीं जा सकता हूं, मैं आज जैसे पता नहीं दूर रख दी मैंने, आई डोंट नो डायरी, नहीं ये देखो मैंने आज बनाई है, ये एक स्केच अभी अभी बनाया, मतलब सवेरे 11-12 बजे, एक तो मैं उस, ये देखिए पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बारीक काम सर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इतनी बारीकी, इतनी बारीकी, बहुत खूबसूरत है सर, अब ये बहुत पांच ही रुपए का खूबसूरत बाल पेन है काला, 5 रुपए का, क्या तो सर, इसमें तो इतना महंगा नहीं है। खूबसूरत, अब ये वो जगह है जो मैं जाना चाहूंगा, मुझे याद है छोटा था तो मैं पठानकोट गया था, तो वहां एक जगह है चक्की जी बिल्कुल है, चक्की है बैंक। ना, तो वहां पर वो छोटा होता था मैं, मेरे ख्याल 8-9 साल का था, तो मुझे वो पहाड़, वो नाला या दरिया बहता हुआ वो याद है, और उसके बाद फादर की ट्रांसफर हो गई, हम ज्यादा देर नहीं रहे, तो ये विजुअल मेरे दिमाग में है, मैंने ये देखा नहीं। मैं वो कुछ एक ट्यूटोरियल जो होते हैं यूट्यूब पे, उन्हीं को देख देख के, और मैं बैठा रहा बैठा रहा। पहले हाथ पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, इसमें क्या है कि शेड्स जो हैं वो हाथ के दबाव पे हैं, जहां आपको डार्कर करना है थोड़ा दबाव ज्यादा डालते हैं, फिर आप बिल्कुल एक कई जगह ऐसी आती है बिल्कुल ऐसा ऐसा हाथ होता है बिल्कुल ढीला, तो आप फिर भी स्केच कर रहे होते हैं, तो वहां शेड के जो आपको, मतलब अगर आप
तीन कहें वाइट ग्रे एंड ब्लैक, अब इसके बीच में आपको और ढेर सारे 3 के 33 करने होंगे शेड, तब जाके आपको ये आता है। आई लव डूइंग इट, मुझे लैंडस्केप बहुत पसंद है, और लैंडस्केप में भी मुझे ट्रीज जो हैं, वृक्ष, वो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं हमेशा से, बचपन से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पेड़ जो हैं वो परमात्मा का स्वरूप है, और हर पेड़ जो है भिन्न है, और हर पेड़ देता ही है, लेता कुछ नहीं है, पेड़ हमेशा अपनी हड्डियां भी देता है, अपनी सांस भी देता है, अपने पत्ते भी देता है, फल भी देता है, जड़ें भी देता है, इंसान इतना कमीना है वो सब कुछ खा देता है और दोबारा वो होता नहीं है। अब क्या बोले मैं सर, आपके लिए कमेंट आया है, आपके लिए कमेंट वाह है। बहुत खूब युवराज सर, हैट्स ऑफ टू यू। अरे कुसुम बहन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुग जुग जियो सारे लोग। थैंक यू कानन, सो स्वीट ऑफ यू ब्रदर, बस ऐसे दोस्त बने रहना। सरला बहन जय हो, जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वो मित्र नहीं आई, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, नाम भूल गया उनका, सुचित्रा जी। हाँ वो नहीं, सुचित्रा जी नहीं है, उनको कहिएगा जरूर, मैं मिस कर रहा था। ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट सिंगिंग, थैंक यू कानन, बट नॉट बेटर देन यू, यू सिंग मच बेटर, आप बहुत सुंदर गाते हो यार कानन, आपको लोग बताते हैं पर अच्छे लोग नहीं बताते, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा गाते हो। नहीं वाकई गाते हैं, मैं हम हमारे शो में आ बहुत चुकी सुंदर है, गाते हैं, बहुत स्वीट अच्छा गाते है हैं। उन्होंने, इवन प्रतिमा जी बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ ये संध्या जी कह रही है आपकी आवाज माशाल्लाह, अरे बहना ये आवाज तो अल्लाह की भगवान की देन है। हाँ एनएसडी में रियाज बहुत करना पड़ा है, और मैं म्यूजिक को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे विदेशी म्यूजिक बिल्कुल समझ नहीं आता। हेलो नीरू नमस्ते, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता अंग्रेजी म्यूजिक, पर म्यूजिक तो म्यूजिक है, वो सोल जो उसकी चलती है, चाहे वो बिथोवन हो, चाहे वो मतलब है ना, हाँ मतलब हाँ हर अपनी खूबसूरत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक है। गुलशन कह रहे हैं मजा आ गया युवराज भाई, थैंक्स टू काजल जी, आपसे कनेक्ट हुआ आफ्टर लॉन्ग टाइम। अरे कनेक्शन बनाए रखो ना बिडू, ऐसी क्या बात है यार, फेसबुक पे हूँ, इंस्टा पे हूँ, लिखते पढ़ते रहो। मेरे इंद्र भाई जो हैं सिंह साहब, मेरे कॉलेज दिनों में उन्होंने किया ना, ये मेरी जमुना बहन है देखो, कानन जी प्रतिमा जी डन, बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ बहना हाँ बहुत अच्छा गाते हैं, तभी तो इकट्ठे हैं, सुर अच्छे इनके, इनकी ट्यूनिंग अच्छी होगी बहना। बेहतरीन कलाकार है। हाँ यस यस यस, बहुत तो जाते जाते मैं, पर आपके लिए फरमाइश है, देखिए हाँ मुकेश जी का को गाना बहना मैं सुना तो देता, पर मेरे पास उसका क्रियोके नहीं है ना, तो सर कुछ और यहाँ अपनी नहीं। पसंद का, चलते चलते सर अपनी पसंद का कुछ चलते अच्छा चलते सुनाइए। मैं एक सेकंड अभी बता देता हूँ। मैंने सारे निकाल के तो रखे थे। अच्छा हाँ इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं ये फिर मैं उन्हीं के लिए, हमारी बहन क्या नाम, गुप्ता संध्या बहन, जी हाँ संध्या जी हाँ उनके लिए ये मैंने, एक्चुअली मैंने अपनी बिटिया के लिए, अपनी बहुरानी मतलब डॉटर लॉ के लिए लिखा था, जी जी उसने कहा डैडी ये जो लंबरगिनी वाला गाना है ना, लंबरगिनी जी जी लंबरगिनी जी क्यों बहुत फेमस चलाई है, आंधे हो, बहुत तो फेमस उसने है। क्या, हाँ आप देखिए जितने भी ये पंजाबी फोक है वो सारा मेल डोमिनेटिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल हाय सही, जयंत, जयंत भाई नमस्कार नमस्ते, तो उसने कहा डैडी कुछ इस तरह से लिखो कि लड़की इसमें डोमिनेट करे, तो मैंने वो लिख दिया। अब मैं आपको सुनाता हूँ, अभी अभी सुनाता हूँ, ये रहा लंबरगिनी गाना। यस लंबरगिनी आ गया जी, अब इसका मैं आपके लिए, मैंने क्रियोके भी इसका निकाल दिया, ठीक है ये जी है। सर। ये बात लंबरगिनी में चला के आईया, लंबरगिनी
लंबरगिनी में चला के आईया, चूड़िया में पावे पाइया, मॉडल टाउन गेड़ा लाके आईया, चूड़िया में पावे पाइया, मॉडल टाउन गेड़ा लाके आईया। मैं तो निकली लॉन्ग राइड ते, मैं तो निकली लॉन्ग राइड ते, लैला छूटा तू ही मुंडे आ साडे नाल बैके खब्बी साइड ते। मतलब वो कह रही मैं चलाऊंगी। लो जी कल्ली, अब लोग हैरान हो गए गलियों में, वो कह रहे लो जी कल्लियां चलान गड्डियां, मुंडिया दे सा सुक गए, और रब्बा गड्डियां दौड़ान नडियां, मुंडिया दे सा सुक गए, और रब्बा गड्डियां दौड़ान नडियां, अखां डैडी दियां पर आईया, अखां डैडी दियां पर आईया, वेख बच्ची दियां हिम्मतां, मावां घुट के कलजे लाइया, वेख दे हिम्मतां, मावां घुट के कलजे लाइया, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो मैंने मजा आ गया। तो मैं उन बहन को ये बता रहा हूँ, मैं मेल शोविनिस्ट नहीं हूँ। ठीक है जी, सो स्वीट, आपके मैसेज वेलकम। हरजीत, अब मेरा गबरू देश पंजाब का जट वीर मेरा, बल्ले 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 बल्ले। ये हरजीत काजल जी, ये ऐसा जाट भाई मेरा है, हम लोग ना ये कहते हैं जट दिमाग है। He has proved, मैंने other day I was listening to him, ये जो बन गया है शख्स, हम NSD में बैठे नहीं सोच सकते थे ये करेगा। इसने जो अचीव किया है, hats off to him, और सारा अपने दिमाग, अपनी हिम्मत, और इसने अपना क्रिएट किया है तरीका, अपने आप को कार्व किया है, और वहां भी बॉलीवुड में रह के अपने आप को कार्व करना, अपना स्पेस क्रिएट करना। अजीत राज करेगा खालसा। जीवंदे रहो। वाह वाह। तो काजल, एनीथिंग एल्स? नहीं सर, बस काजल, बहुत थैंक यू, शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका, बहुत सो स्वीट ऑफ यू। आई एंजॉयड थॉरली एंजॉयड, बहुत मजा, हमने बहुत एंजॉय किया सर, बहुत एंजॉय किया। मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग जितने भी आज आए, और जैसे आपने मुझे रिएक्शन दिए, तो मैं आज मुझे ऐसा लगा कि मैं 69 का जवान हो गया हूं। थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का, सभी एस्टीम व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े हैं, हार्टफुल थैंक्स टू देम हमारे साथ रहने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, हमारे हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए, बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। और कल हमारे साथ, कल 12 बजे हमारे साथ एक शख्सियत रहेंगी जिन्होंने रॉयल जो हेरिटेज है उसके लिए बहुत काम किया है, रॉयल हेरिटेज को उन्होंने आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत काम किया है। कल हमारे साथ होंगी दोपहर 12 बजे अंशु खन्ना जी, तो रहिएगा हमारे साथ कल 12 बजे, और शख्सियत रहेंगी हमारी अंशु खन्ना। और आज शाम को 8:30 बजे म्यूजिकल इवनिंग है, जिसमें आज हमारे साथ होंगी जानी मानी फोक सिंगर विजया भारती जी, जिनका एक अपना नाम है। तो आज रात 8:30 बजे म्यूजिकल इवनिंग में जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमें, और विजया भारती जी के गाए हुए खूबसूरत गानों का लुत्फ लीजिएगा म्यूजिकल इवनिंग में। तो इंतजार रहेगा आपका आज रात 8:30 बजे म्यूजिकल इवनिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।